सो हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम है एक और जीआर गेमिटी के और धमाकेदार न्यू वीडियो के अंदर में। तो इस वाली वीडियो के अंदर में हम इंडियन बैकशॉट ड्राइविंग 3D के टॉप 10 मिस को ट्राई करने वाले हैं। टॉप 10 सिलेक्टेड मिस काफी ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं, जो आज से पहले आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे। तो बिना किसी टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वन, अगर हम एंडेवर को ब्लास्ट करते हैं तो उसका स्टेयरिंग ब्लास्ट नहीं होता है। सो चेकआउट करते हैं क्या ऐसा होने वाला है। अपनी न्यू वाली एंडेवर है, उसकी जो स्टेयरिंग है वो ब्लास्ट नहीं होती है। तो सबसे पहले हम डायल कर लेते हैं 2020, जिससे आ जाती है अपनी एंडेवर कार। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसके स्टेयरिंग का कलर, जो की हमें कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो लेट्स गो, थोड़ा इसे डिस्टेंस बनाते हैं एंड अब इसे ब्लास्ट कर देते हैं। तो मैंने अपनी जो है एंडेवर उसको ब्लास्ट कर दिया है, बट यहाँ पे गाइस मैं देख सकता हूँ कि जो अपना इसका स्टेयरिंग है वो सच में ब्लास्ट नहीं हुआ है भाई। मतलब तुम भी देख सकते हो यार, इसका स्टेयरिंग एकदम करेक्ट, मतलब जैसा था वैसे रखा हुआ है। और अभी मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ ना ब्लास्ट करने की, तो ये बिल्कुल भी जो है ब्लास्ट नहीं होता है। चेकआउट कर सकते हो, पूरी कार ब्लास्ट हो चुकी है पर स्टेयरिंग इसका ब्लास्ट नहीं होता है। तो मिथ के अकॉर्डिंगली जैसा मैं तुम्हें बताया गया था, ये मिथ अपना होता है कन्फर्म्ड। हमारा नेक्स्ट वाला मिथ है, अगर आप ऑटो रिक्शा के साथ किसी भी बाइक को स्पॉन करोगे और ड्राइव करोगे तो होगा मैजिक। मे बी गाइस हो सकता है मोटर रिक्शा के साथ भी बाइक को किसी को भी ड्राइव कर पाए, मतलब दोनों चीजों को एक साथ ड्राइव कर पाए, जैसे हम कार्स को करते हैं। तो सबसे पहले ऑटो रिक्शा और उसके साथ एक बाइक स्पॉन करा लेता हूं मैं। बाइक एंड ऑटो रिक्शा स्पॉन हो चुका है, अब चलते हैं इन दोनों के बीच में एंड बैठते हैं इन दोनों में एक साथ एंड देखते हैं क्या हम इन दोनों में एक साथ बैठ पाएंगे। तो मेरे को लग रहा है मैं इन दोनों में एक साथ बैठ चुका हूं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो हां दोस्तों, मैं इन दोनों में एक साथ बैठ चुका हूं। और ये क्या, कैमरा एंगल चेंज करने के बाद फर्स्ट पर्सन का एक ऐसा व्यू दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा उस समय लाइक, यार मैं ऑटो रिक्शा को विदाउट ड्राइवर ड्राइव कर रहा हूं, जैसा बाइक से यानी कि कार्स में होता है बाइक और कार के साथ में। यार इसे करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, अलग लग रहा है यार। कार्स में हमें थोड़ा उतना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखने को मिलता, बट इसका जो पीओवी है वो हमें काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है। मतलब देख सकते हो बाइक, मतलब कैमरा एंगल चेंज करते हैं बाइक, मैं दूसरा कैमरा एंगल जैसे चेंज करता हूं मुझे ऑटो रिक्शा दिखाई देता है भाई। मतलब बाइक अच्छी तरह से दिखाई दे रही है, जैसे पूरा राइड कर रहे हैं बाइक को, एकदम परफेक्टली, एकदम मल्टीप्लेयर वाली फीलिंग आ रही है। बाकी हमें मैजिक तो देखने को मिलता है, तो ये वाला मिथ अपना होता है कन्फर्म्ड। हमारा नेक्स्ट वाला मिथ है, आप अगर आरजीएस टूल में GTA 5 लिखोगे तो आप GTA 5 में चले जाओगे। वेल गाइस, अगर ये मिथ वर्क कर गया ना गाइस तो ये मेरा फेवरेट मिथ हो जाएगा गाइस, गेम के अंदर हम GTA 5 के अंदर क्या जा पाएंगे। तो लेट्स गो, मैंने लिख दिया है GTA 5 एंड यहाँ पे तो वर्क नहीं किया है। अगेन मैं लिखता हूँ GTA 5, तो अगेन अब देखते हैं गाइस वर्क करेगा क्या। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी वर्क नहीं करता है। बाकी यार मुझे काफी होप थी इस वाले मिथ से, बाकी ये मिथ बस्टेड है। हमारा नेक्स्ट वाला मिथ है जो की ये NPC के ऊपर स्टिक बम फेंको और फिर उसको गन से मार दो, स्टिक बम को एक्टिवेट कर दो, फिर देख लो मैजिक। वेल चलो, सबसे पहले मैंने एक NPC को तो पकड़ लिया है, फटाफट से इस पे स्टिकी बम लगा देता हूँ। मेरे को बहुत सारे स्टिकी बम लगाने होंगे, बट यार NPC एक जगह पे रुकते हैं और नहीं, इनकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। 3-4 स्टिकी बम से तो शायद से कुछ हो, मेरे को ज्यादा लगाने पड़ेंगे। आई थिंक मेरे को काफी ज्यादा अमाउंट में अपने स्टिकी बम्स कनेक्ट करने पड़ेंगे इस NPC के। यार चलो, एक जगह पे रुक तो चुका है NPC में ज्यादा, मतलब मेरे स्टिकी बम्स में काफी ज्यादा वजन हो चुका है, जिससे NPC हिल ही नहीं पा रहा अच्छी तरह से। बाकी और भी सारे मैं इस पे जल्दी से फटाफट स्टिकी बम लगा देता हूं। आई थिंक ये मैंने काफी लगा दिए, बट थोड़े से और लगा देते हैं क्योंकि फर्स्ट ट्राई में ही अपना अगर मिथ ट्राई हो जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। अगर हम इसको ट्राई करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है मेरे को अगेन स्टिकी बम लगाने पे, तो मैं थोड़ी भी कंजूसी ना करते और भी सारे स्टिकी बम यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इसकी बॉडी से। बाकी मैंने बहुत सारे स्टिकी बम यहाँ पे ऑलरेडी लगाए दिए हैं, थोड़े से स्टिकी बम और फिर हम इसे फिनिश करके फटाफट से अपने स्टिकी बम्स को एक्टिवेट कर देंगे। बिकॉज हमने थोड़ा सा भी लेट किया ना तो गाइस प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पुलिस भी आएगी अब मेरे को मानने, वो भी एक प्रॉब्लम है मेरे लिए। फटाफट से चलो। सो मैंने काफी सारे स्टिकी बम ऑलरेडी कनेक्ट कर दिए, बारी आ चुकी है NPC को किल करने की। यार मुझे बड़ी सावधानी से NPC को किल करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैंने इधर उधर थोड़ी भी गोली चलाई तो स्टिकी बम ब्लास्ट हो जाएंगे, तो पूरा अपना जो मेहनत है वो बेकार चली जाने वाली है। तो मैं थोड़े आराम से NPC को जो एक किल कर देता हूँ। तो एक गोली में नहीं, दो गोली में मर चुकी है और कुछ स्टिकी बम तो इसकी बॉडी से डिस्पैच हो चुके, मतलब अनकनेक्ट हो चुके। फटाफट से इसको उड़ाते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। और जैसे एक्टिवेट किया भाई साहब, ये देखो क्या हुआ गाइस, ऊपर की तरफ मतलब कुछ रॉकेट जैसा उड़ा, जैसे रॉकेट उड़ता है उस तरह से गाइस जो अपना NPC और सारे स्टिकी बम उड़ चुके हैं। बाकी यार काफी तगड़ा वाला मैजिक हुआ था, ये मैथ एकदम कन्फर्म्ड है। नेक्स्ट में तुम्हें बताया गया है मैथ, अगर आप टैंक का फायर वाला बटन देखो तो वो ऑप्शन हट चुका है। वेल इस वाली चीज को हमने अभी तक भी ट्राई नहीं किया है, तो लेट्स गो चेकआउट करते कि अपडेट के बाद में सच में अपना फायर वाला बटन हट चुका है टैंक से। बाकी यहाँ पे देखे तो गाइस फायर वाला बटन है और मैं फायर कर रहा हूँ तो फायर भी हो रहा है स्टिल एंड देखते हैं गाइस इससे गाड़ियां भी ब्लास्ट हो रही है, NPC भी किल हो रहे हैं, चेकआउट कर सकते हो। बाकी यार ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ना कुछ कमजोर हुआ है ना कुछ हुआ है, बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये वाले में तुम्हें जो बताया गया पूरी तरह बस्ट
कनेक्टेड है। हमारे अगले वाले मिथ में बताया गया मिथ, न्यू अपडेट में ऑटो रिक्शा में दोनों साइड से बैठ सकते हैं। वेल ऐसे काफी सारे व्हीकल अपनी इंडियन बस स्टैंड जुड़े हैं, फिलहाल में तो ऐड हो चुके हैं लाइक बोट वगैरह जिनमें हम दोनों साइड से बैठ सकते हैं। क्या ऑटो रिक्शा में दोनों साइड से बैठ सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर की तरफ से ट्राई करते हैं, तो बिल्कुल भी हम इस पर बैठ चुके हैं। बाकी हम एक्सिट करते हैं तो इधर की तरफ ही हमने एक्सिट भी किया। हम सेकंड साइड में आ चुके हैं, इधर से अगर हम ड्राइव बटन पे दबा दे तो हम बैठ चुके हैं एंड हम एक्सिट करते हैं तो हम इधर की तरफ आ जाते हैं। बाकी हम कदर की तरफ से भी ड्राइव करें एक्सिट करते हैं तो इधर की तरफ ही आ जाते हैं। बाकी वेल गाइस मेरे को एक चीज लगी है, रुको रुको हम पीछे जाएं और हमको पीछे ड्राइव बटन देखने को मिल रहा है और पीछे से भी हम बैठ सकते हैं। देख सकते हो गाइस हम तीन साइड से बैठ सकते हैं, इस हिसाब से तो गाइस हम आगे से भी बैठ पाएंगे क्या? रुको एक बार चेकआउट करते हैं कि हम आगे से भी बैठ सकते हैं। यहाँ से भी चेकआउट करते हम चारों साइड से बैठ सकते हैं गाइस, आप दोनों साइड की बात हो रही है, हम ऑटो रिक्शा में चारों साइड से कहीं से भी बैठ सकते हैं, तो ये मिथ एकदम कन्फर्मड है। हमारा अगला वाला मिथ है मिथ, अगर हम मॉन्स्टर ट्रक को स्विमिंग पूल में स्पॉन करोगे तो देखो मैच। गाइस मिथ के अकॉर्डिंग आ चुके हैं स्विमिंग पूल पे, फटाफट से मॉन्स्टर ट्रक्स को स्पॉन करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या मैजिक हमें दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थार वाले मॉन्स्टर ट्रक को किया तो यार ये तो अपनी जमीन से अटके कुछ गिर चुका है। बाकी आपको लोगों को पता ही होगा मॉन्स्टर ट्रक गाइस अपने उल्टे हो जाते हैं गिर के जमीन पे, ये गाइस काफी पुरानी चीज हो चुकी है, बाकी आप लोगों को पता ही होगा। तो मैंने अगेन किया तो ये भी उड़ी चुका है, जो कि नॉर्मल भी गाइस ऐसे अपने मॉन्स्टर ट्रक से जो उड़ जाते हैं। बाकी यार ये दीवार से चिपक रहे, अगर हम बिना दीवार से थोड़ा दूर करके करें तो यार ये भी यहाँ पे दीवार पे गिर चुका है, मतलब की वॉल पे गिरा है आधा अंदर आधा बाहर की। तो मेरे को प्रॉपरली अंदर की तरफ ही पूरा अपना जो मॉन्स्टर ट्रक है वो स्पॉन कराना है जैसा मिथ में बताया है। तो यहाँ पे मैं जैसे स्पॉन कराता हूँ गाइस, यहाँ पे ये वाला जो अपना मॉन्स्टर ट्रक है वो पानी से उछला नहीं है भाई। आई थिंक जिस मैजिक की बात की जा रही थी वो यही है कि स्विमिंग पूल में अपने मॉन्स्टर ट्रक को स्पॉन कराते हैं वो जंप नहीं मारता है गाइस। अगेन मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, क्या पता वो अचानक से हो गया, एक बार हम और ट्राई करते हैं, देखते क्या इस बार उड़ेगा। और यहाँ पे गलत चीट को डायल हो गया गलती से, चलो एक बार ट्राई करते हैं, अब की बार भी नहीं उड़ा, मतलब की यही वाला गाइस अपना मैजिक है कि अपने जो मॉन्स्टर ट्रक है वो पानी में जो बिल्कुल नहीं उड़ते, ये मिथ कन्फर्म्ड है एकदम। हमारा अगला वाला मिथ है मिथ, अगर हम अपने कैरेक्टर का गैलरी से शॉर्ट्स चेंज करते हैं तो शूज भी चेंज होता है। सो लेट्स चेक दिस मिथ, तो चेक आउट करते हैं, आई थिंक ऐसा हो बट एक बार चेक आउट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं शॉर्ट्स चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे तो गाइस अपने को ना थोड़ी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहे अपने शूज चेंज हो भी रहे हैं या फिर नहीं, बिकॉज अब मैं भाग के चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर के, एंड ये मैंने जैसे चेंज किया ना ये गाइस हो चुके अपने ब्लू कलर वाले, एंड यहाँ पे भी ब्लैक कलर के हो चुके हैं अगेन। एंड यहाँ पे देखो ब्लू कलर के हुए गाइस, थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ अगर गौर करते हो तो आपको गाइस क्लियरली दिखाई देगा कि जो अपने शॉर्ट्स हम चेंज करते हैं तो उसके साथ हमारे शूज भी जो है चेंज करते हैं। आप देख सकते हो ब्लैक कलर के शूज मैंने पहन रखे हैं, तो मैं जैसे शॉर्ट्स चेंज करता हूं तो आप देख सकते हो ब्लू कलर के जो अपने शूज है वो आ चुके हैं। तो हाँ यार ये बात सही है एकदम, शॉर्ट्स के साथ अपने शूज भी चेंज होते हैं, तो ये मिथ भी एकदम कन्फर्म्ड है। हमारा अगला वाला मिथ है कि हम ऑटो रिक्शा को पलटा नहीं सकते। लेट्स गो, क्या ऐसा होने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑटो रिक्शा को स्पॉन करा लिया है और अब मैं उसको आपको पलटा के दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ, और वो भी एक ट्रिक की हेल्प से। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक गाड़ी भी स्पॉन करा लेते हैं, तो हम यहाँ पे स्पॉन करा लेते हैं एक बड़ी गाड़ी जो कि अपनी 3-3 वाली स्कॉर्पियो। एंड अब मैं स्पॉन करा लेता हूँ डॉग। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा हमने डॉग को क्यों स्पॉन किया है, तो वेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डॉग का क्या यूज होने वाला है। तो बाकी अगर गाइस आप जानते हो कि आप लोगों को बताइए, डॉग अपनी गेम के अंदर काफी ज्यादा डेंजरस है, जो कि देख सकते हैं स्कॉर्पियो जैसी बड़ी गाड़ी को यहाँ पे पलटा यानी कि उठा के पटक सकता है। देख सकते हो यार किस तरह ये अपनी स्कॉर्पियो को एकदम उठा उठा के पटक रहा है इधर से उधर की तरह। यार इसकी हेल्प से हम ऑटो रिक्शा को तो पलटा पाएंगे, बट यार स्कॉर्पियो बार बार सीधी हो जा रही है पता नहीं क्यों, बट यहाँ पे ओके फाइनली ये पलट चुकी है, बट ये दोबारा सीधी हो रही है। एंड यार अब मुझे इसे रोकना पड़ेगा, वेट यार ये गाइस दोबारा सीधी हो चुकी है, वेट चलो स्कॉर्पियो को छोड़ते हैं गाइस, अब हम चलते हैं ऑटो रिक्शा की ओर। गाइस ऑटो रिक्शा को हमें पलटाना है, आप लोगों को मैंने डॉग की पावर दिखाई थी वो तो जब भी देखो गाइस मैं यहाँ पे ट्राई तो कर रहा हूँ अपने ऑटो रिक्शा को पलटाने की। एंड ये क्या गाइस मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे ऑटो रिक्शा उल्टा हो चुका है, मतलब मिथ में जैसा बताया गया था ऑटो रिक्शा उल्टा नहीं होगा, बट भाई मैंने तो उसको करके दिखा दिया वो भी इजीली, इस हिसाब से जैसा मिथ में बताया गया था उस हिसाब से भाई ऑटो रिक्शा उल्टा हो गया। तो ये वाला मिथ अपना बस्टेड है। तो हमारा आज का 10वां और लास्ट वाला मिथ ये है जिसमें बताया गया एयरपोर्ट में जो वेयर हाउस है उसमें हम जेट पैक से घुस नहीं सकते। तो लिस्ट गो स्टार्ट करते हैं भाई जाने की ट्राई, जेट पैक से आ चुका हूँ वेयर हाउस के पास में, अब इसको लगा लेते हैं थोड़ी अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से जिससे मैं इसके अंदर जा पाऊँ। तो यार ऐसा तो साइज से ही हो हम किसी बिल्डिंग के अंदर जेट पैक से एंटर ना कर पाए, लेट्स गो ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम। तो मैं यहाँ पे जैसे एक्सिट किया इसके अंदर बिल्कुल भी जो है नहीं जा पाया, आई थिंक सो हम नहीं जाने वाले। बट गाइस अपने पास एक और आइडिया है, मेरे को लग रहा है सब जेट पैक से तो बिल्कुल एंटर नहीं कर पाएंगे, बट हमारे पास एक और आइडिया है जो कि है कार, मतलब हम कार से तो गाइस इजीली जा पाएंगे। तो फटाफट से चलो एक कार स्पॉन करते हैं एंड जाने की ट्राई करते हैं अंदर। अगर हम उससे भी ना जा पाए तो भाई हम इसके अंदर नहीं जा सकते, मतलब कि काफी सीक्रेटली वाला अपना वेयर हाउस होगा। वेयर हाउस के अंदर एंटर करने के लिए मैं अपनी मंगा ली स्कॉर्पियो जो कि
BBB3 के चीट कोड से आती है। बिकॉज गाइस स्पोर्ट्स कार को तो हम नहीं ले जा सकते, कोई वो प्लेन नहीं होती, एकदम प्लेन कार है। तो लेट्स गो ट्राई करते हैं एक बार कि हम इसके अंदर जा पाएंगे। और आई थिंक मुझे लगता है हम इसके अंदर जा पाएंगे जितनी मेरी होप है। मैंने गाड़ी को थोड़ा सटा के एकदम लगा दिया है, अब उतरने की ट्राई करते हैं। जैसे मैं आप उतरता हूँ यहाँ पे, अभी से तो कुछ कन्फर्म नहीं है, बट गाइस अब कन्फर्म हो चुका है, हम आ चुके हैं वेयर हाउस के अंदर है। देख सकते हो वेयर हाउस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं समझ रहा था। बाकी गाइस हम वेयर हाउस में सीक्रेटली जो है एंटर कर लिया है। जैसा मैं तो बताया गया था हम एंटर नहीं कर पाएंगे, बट अपने ने तो एंटर कर ही लिया है, हम यहाँ से इजिली जो है बाहर भी जा सकते हैं। तो यार ये वाला मैच भी अपना बस्टेड है। ओके, तो ये थे कुछ अपने टॉप 10 क्रेजी मैच। आई होप आप लोगों को मैच पसंद आए हो। अगर आपको भी कोई मैच पता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, नेक्स्ट वाली वीडियो में आपका मैच भी जरूर से ट्राई किया जाएगा। तो इतना ही था आज की इस वीडियो के लिए, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।